जय हिंद दोस्तों मैं में जो गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजली राइट दोस्तों बड़ी दुखद खबर है आठ फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स को कतर की एक कोर्ट ने सजाए मौत सुना दी उनका यह इल्जाम है कि इन्होंने जासूसी करी है मैं आपको विस्तार से केस समझाता हूं मेरे नोट्स हैं कुछ मेरे पास इनका नाम है जो सेंटेंस हुआ है जिनको दोस्तों उनका नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा कैप्टन सौरभ वशिष्ठ कमांडर अमित नागपाल कमांडर पुर्णेन्दु तिवारी कमांडर सुगांवकर पकाला कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश अच्छा ये लोग जो थे दोस्तों ये रिटायर हो चुके हैं फौज से ये इंडियन नेवी से रिटायर हो गए थे और तो दोस्तों मैं फिर से आपको बताता हूं कंपनी का नाम अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी ये कंपनी का नाम है और उसका जो मालिक है खमीस अल अजमी ये ओमान का अब इनको सजा कतर में हुई है ये बंदा जो था खामिश अलजमी यह था उमानी एयरफोर्स में एक टाइम पे स्क्वाडन लीडर ठीक है जी और इसको भी अरेस्ट कर लिया था शुरू में जब भारतीयों को अरेस्ट करा था अरेस्ट काफी पहले से हैं नवंबर 2022 से ये लोग अरेस्टेड हैं लेकिन इसको रिलीज कर दिया ये जो कंपनी का मालिक था इसको रिलीज कर दिया और जो बाकी लोग थे इनको सजाए मौत अभी सुना दी गई है पुरनेन्दु तिवारी मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे ांडर पुर वॉज दैट कंपनी अच्छा ये बंदा हमेशा लजमी जो उमानी एयरफोर्स का था इसको रफा दफा करा अरेस्ट करा इससे बातचीत करी रफा दफा करा ये कंपनी का मालिक अकाउंट्स इसके नाम पे सारी फाइनेंशियल डीलिंग्स इसकी सब कुछ ये कर रहा है क्योंकि मालिक है आप सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर किसी को भी रखे लेकिन जो कंपनी का प्रोपराइटर होता है कंपनी का मालिक होता है मालकाना हक तो उसके पास होता है फाइनल हैिटी हो है, इसको कर दिया गायब ठीक है जी अब मैं आपको बताता हूं उनके कारण क्या थे इन्होंने बोला साहब आपने जासूसी करी है इसराइल के लिए जासू एक तो मुझे लगता है कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक हवा बना है है का पता नहीं क्यों इनको सब लगता है कि यहूदियों के जासूस हैं हिंदुओं के इनका है कुछ दिमाग में ना कई कंट्रीज हैं सबके सब की बात नहीं कर रहा लेकिन कई कंट्रीज हैं ऐसे इनकी थोड़ी सी दिमाग में कमी है इनको हर बंदा यहूदी जासूस लगता है एनीवे anyway, वे इन्होंने बोला कि साहब ये इसको इन्होंने यहूदियों के लिए जासूसी करी है इसराइल के लिए जासूसी करी है लेकिन वो कारण है कि किसने क्या करा है एग्जैक्टली exactly आपने क्या करा है ये किसी को बताया नहीं उन्होंने अब मैं आपसे कहता हूं कि साहब आपने मेरे घर में डाका डाला है आपने कब डाका डाला आपने क्यों डाका डाला आपने क्या हथियार और इस्तेमाल करके जो यू नो आपने डाका डाला वो क्या थे आप डाके में क्या चोरी करके ले गए क्या डकैती करके ले गए आप घर के अंदर ये मैं कुछ बताने को राजी नहीं हूं इन्होंने डाका डाला है सजाए मौत कहा नहीं खत्म हो गई भाई जब डेमोक्रेसी नहीं होता कोई देश जब एक शेख के रहमो करम पर पूरा एक मुल्क चलता है तो यही होता है फिर शेख डिसाइड करता है ना फिर शेख डिसाइड करता है कि क्या करना है और ये ये सब जो पेट खराब हो रहे हैं ना इन देशों के ये तेल का पैसा है ये तेल की वजह से पेट खराब हो रहा है अब सुनो स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो जो कतरी इंटेलिजेंस एजेंसी है स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो इन्होंने उनको उठा लिया अच्छा इंडियन एम्बेसी को पता लग गया कि इनको अरेस्ट करा गया मैं तब की बात कर रहा हूं जब इनको अरेस्ट करा गया था और एक्सेस जो भी होता है यूनाइटेड नेशंस के तहत वो सब इनको फैसिलिटी फोन से बात कर सकते हैं परिवार से और एम्बे करा है ट्रांसफर ऑफ कॉन्विक इंडिया और कतर के बीच में भारत और कतर के बीच में एक साइंड अग्रीमेंट है दोस्तों जिसमें कि अगर कोई हिंदुस्तानी कतर में या कोई कतरी हिंदुस्तान में अगर अरेस्ट होता है और उसको जेल में डाला जाता है तो प्रिजनर स्वप्न अलाउड है ये रिसर्च हमारी बताती है कि वो जो भी बोलेंगे कि साहब उनको जैसे इनको सजाए मौत दे दी गई या फिर बोला कि नहीं नहीं साहब सजाए मौत तो नहीं, इनको हम 20 साल की कैद देंगे तो दे आर अलाउड टू सर्व द सेंटेंसेस इन इंडिया तो इंडिया उसके बारे में भी इनके पीछे बात कर रहा है दोस्तों अच्छा भारत और कतर की जो टाइज हैं जरा मैं उसके बारे में आपको बता दूं आ, दो में इंडिया वॉज द टॉप फोर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर कतर ठीक है तेरह बिलियन की बायोलैटरल ट्रेड है एल एन एक्सपोर्ट मतलब इतना पैसा भारत ज़्यादातर ये क्योंकि कतर इसके अलावा तो कुछ बनाता नहीं है ना मेड इन कतर तो कुछ होता नहीं है वो जमीन के नीचे से तेल लिख रहा है उसी का वल्ला अभी भी चल रहा है उसी से ऊंट भी चल रहा है उसी से गाड़ी भी चल रही है उसी से खजूर भी खा रहे हैं इसके अलावा तो कुछ है नहीं वहाँ पे कतर, तो कतर में तो कतर ने बोल दिया ठीक हा, है हाँ थोड़ी बहुत टूरिज्म शुरू तो मैं उनकी थोड़ा बहुत फाइनेंस का उन्होंने इंस्टीट्यूशन बना रखे हैं जो मतलब वहां पे आके फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वहां पे काम करते हैं एक हादसा बना रखा है लेकिन मोस्ट ऑफ इट्स वेल्थ इज फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ठीक है जी द इंडिया कतर डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट ये प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह 2008 में गए थे ये साइन करी दी थी और ये अग्रीमेंट दो में जब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे तब पांच साल के लिए और इसको एक्सटेंड किया गया अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं इसमें चक्कर क्या है यह मामला तो बिल्कुल साफ है आप यही नहीं बताएंगे कि इन लोगों ने आप कहते हैं जासूसी करी क्या जासूसी करी या बताने को राजी नहीं है यह कहते हैं साहब हमारे कानून में अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार आप जिसको सजाए मौत सुना रहे हो उसको यह तो बता दो कि तूने गलत काम कराए तो भारत को पूरी अभी इसमें मेहनत करनी होगी हमारी डिप्लोमेसी हमारे कतर के साथ रिलेशन जो कि काफी अच्छे हैं कतरियों से बोलना पड़ेगा अरे क्या बदतमीजी है यार ये अब दोस्तों ये तो यही बात हो गई कि कोई कतरी भारत में आया किसी काम से किसी बिजनेस के काम से और आते भी हैं यहां पे हमने उसको पकड़ के बोल दिया कि इसने जासूसी करी है और ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा है इसको अंदर डालो या चाइना के लिए जासूसी कर रहा है इसको अंदर डालो और इसको सजाए मौत सुना दी ऐसा थोड़ा होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपको उन लोगों को बैठ के बताना पड़ेगा कि आप कतर के हैं आप भारत में आए आपने ऐसी जासूसी करी हमारे पास ये प्रूफ है ये आपके खिलाफ केस चल रहा है ये जज है ये इस आपका वकील इनको पता नहीं वकील दिया नहीं दिया इनको ऐसी सुना दिया पर वही चीज होती है जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी नहीं होती है जिन मुल्कों में एक शेख है जो आपकी किस्मत तय करता है फिर वो तो शेख डिसाइड करता है ना कि आप जिएंगे या मरेंगे लेकिन ये भारतीय हैं और भारत ने ऑलरेडी वहाँ पे अपने बंदे पहुँचा दिए रातों रात उनको छुड़वाने के लिए